कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक नाइट कर्फ्यू का असर शुक्रवार को भी देखने को मिला। महानगर के विभिन्न चौराहों पर एवं सड़कों पर लोगों का आवागमन जारी रहा। शास्त्री चौक पर पुलिस वाहनों का चेकिंग कर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति सचेत करती नजर आई। इस दौरान सिविल लाइन, RTO तिराहा, गोरखपुर क्लब रोड, DM आवास रोड, विश्वविद्यालय रोड सहित अन्य क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के पालन के लिए अलग अलग बैरियर लगाए गए हैं और वहां पर ऐप द्वारा बैरियर चेकिंग और ड्यूटी चेक किया जा रहा है। SPCT ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घूमता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद बेवजह घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत ही ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकले तथा नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, ये रात्रि कर्फ्यू 10 बजे से लागू की जा रही है। बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं, उस पर चेकिंग की जा रही है। CO, SHO, चौकी प्रभारी और इन सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है वहाँ पर। देखिए, अब सबकी जानकारी में है कि तीसरी लहर की संभावना है। इस क्रम में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते रहें।